ना स्टूडेंट हियर इज दी व्हाट इज़ दी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को हम बेसिकली जो स्टडी करेंगे वो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट में करेंगे बट यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज दी आइगन वैल्यू एंड व्हाट इज दी आइगन वेक्टर। सो आइगन वैल्यू आपके पास क्या है लेट बी एन एनी मेट्रिक्स ठीक है ना सपोज द मेट्रिक सेगमा इज ऑफ ऑर्डर पी इंटू P क्रॉस P का हमने मेट्रिक सिग्मा सपोज किया अब जो हम सपोज कर रहे हैं नाउ हेयर इज द इक्वेशन वन इक्वल्स टू जीरो विच इज इक्वल्स इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर P इंटू वन जो इक्वेशन वन है ये हमारे पास एक पॉलीनॉमियल इक्वेशन है और उसका ऑर्डर क्या है P इंटू विच हैज ऑर्डर ऑफ P यानी ऑर्डर P के हमारे पास इक्वेशन वन आ रही है विच हैज P रूट इस इक्वेशन की बेसिकली हमारे पास कितनी होंगी पी रूट्स होंगी और इन पी रूट्स को हम कहेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स जो हमने सपोज की हुई है सिग्मा ठीक है मैं रिपीट कर रही हूँ सपोज दैट द मैट्रिक्स सिग्मा इज ऑफ ऑर्डर पी इन टू पी यानी हमने एक मैट्रिक्स सपोज की है और उसका ऑर्डर हमारे पास पी क्रॉस पी का द आइगन वैल्यू ऑफ सिग्मा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास आइगन वैल्यू क्या है वो जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज विच इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमारे पास है वो एक पॉलिनोमियल है और उसके हमारे पास टोटल तो पी रूट्स हैं तो पी रूट्स द आइगन वैल्यू ऑफ मेट्रिक सिग्मा जो हमने सपोज किया है ये बेसिकली क्या हो गया आइगन वैल्यू ऑफ मेट्रिक सिग्मा द वैक्टर ऑफ दीज पी रूट्स इज कॉल्ड द आइगन वैक्टर ऑफ सिग्मा और इसके जो पी रूट्स आ रही हैं

तो इक्वेशन टू में बेसिकली यहां से हम आइगन वेक्टर जनरेट कर लेंगे सो सिग्मा सी आई इक्वल्स टू लैमडा सी आई यानी हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास आइगन वेक्टर जनरेट होंगे दिस रिलेशनशिप होल्ड बिटवीन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर दीज आइगन वैक्टर आर नॉट यूनिक कंटेन एज ऑर्बिटरी स्केल फैक्टर अब हमारे पास लेट एन एग्जाम्पल एक्स वन इक्वल्स टू एक्स वन प्लस प्लस और माइनस टू एक्स टू इक्वल्स टू जीरो अब ये इक्वेशन हमारे पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल्स टू जीरो अब जब तक हम एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज हमें आइडिया नहीं होगा नोन नहीं होंगी या हम इसमें खुद पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास तो ये सोल्यूशन ही आएगा इस इक्वेशन का टू गेट द यूनिक सोल्यूशन वी नीड टू दी वैल्यू ऑफ x1 वन एंड एक्स ठीक है ना कोई यूनिक सोलूशन के लिए हमें x1 और x2 की वैल्यूज चाहिए और हर कोई x1 और x2 की वैल्यूज अपनी मर्जी से ले रहा है यानी कि ऑर्बिट्री वैल्यूज ले रही है एक्स की वैल्यूज और x2 के हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है हमने सपोज कर ली कि x1 वन इक्वल्स टू टू एक्स टू इक्वल्स टू थ्री यानी कि यूनिक वैल्यू हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं आएगा ऑर्बिट्री वैल्यूज हम इसमें एंटर कर रहे हैं

अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है हम कह रहे हैं सी आई प्राइम इंटू सी जे सी आई प्राइम इंटू सी जे विच इज इक्वल्स टू वन एफ आई इक्वल्स टू जे एंड सी आई प्राइम सी जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे When they are same eigenvalues, the corresponding eigenvector will be chosen to be orthonormal. So abhi orthonormal is ko normalized we have? criteria hai, which is equal to the C i prime cj which is equal to 1 if i equals to j and if i not equals to j, then c i prime cj which is equal to 0.